हेलो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गाड़ी का ओडोमीटर बैक किया है या पीछे किया है, ये हम कैसे पता करें। तो दोस्तों, हम जब भी कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो हमें ये डर होता है कि कहीं ओडोमीटर पीछे ना हो। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 50% से ज़्यादा गाड़ियों के ओडोमीटर बैक है, स्पेशली डीजल और CNG गाड़ियों में, ठीक है, क्योंकि उनका यूज़ ज़्यादा होता है। और अब मोस्टली गाड़ियाँ देखोगे मार्केट में डीजल, वो 50-60 हज़ार किलोमीटर चली होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है डीजल गाड़ी के लिए। क्योंकि दोस्तों, एक बंदा डीजल गाड़ी लेता है या फिर CNG गाड़ी लेता है, वो रनिंग करने के लिए लेता है। तो हम कैसे पता करें कि गाड़ी का ओडोमीटर बैक है या नहीं, तो इस वीडियो पे मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हो गाड़ी का रनिंग जेन्युइन है या नहीं। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूल। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड चेक करो, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड दोस्तों हर गाड़ी के पूरे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने एटियोस ली सेकंड हैंड, तो उस गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड 2017 तक ही उसके सर्विस रिकॉर्ड थे, उसके बाद उसका सर्विस रिकॉर्ड नहीं था। तो हम कैसे पता करें कि गाड़ी का रनिंग ओरिजिनल है या नहीं, तो पहला स्टेप आपको ये। तो दोस्तों, पहला स्टेप है वो हमें गाड़ी के टायर चेक करने। अगर समझो गाड़ी 50,000 के अंदर अंदर चली होगी तो उसके टायर ओरिजिनली होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक टायर की लाइफ होती है 40,000 to 50,000 किलोमीटर्स, उसके ऊपर आपको टायर चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसे चेक करें, तो दोस्तों जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों 2013 मॉडल है और इसके टायर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर तो ये लिखा है 2620, मतलब 26th week of 2020, मतलब ये टायर इसका चेंज हुआ है। ये दोस्तों इसका रनिंग चेंज हो सकती है। तो ये टायर तो भाई मैंने ही चेंज करा, अलग बात है, लेकिन जब भी मैंने गाड़ी ली थी तो ये गाड़ी 49,000 चली थी और इसके जो टायर थे वो भी 2013 के थे। तो इससे आप डेफिनेटली पता कर सकते हो कि गाड़ी का रनिंग ओरिजिनल है, ठीक है। सो दोस्तों, दूसरा स्टेप है गाड़ी का इंजन। तो इंजन की लाइफ होती है 1,00,000 किलोमीटर या 1,50,000 किलोमीटर, डिपेंड आप कैसे मेंटेन करते हो। जनरली आप 1-1.5 लाख किलोमीटर पकड़ सकते हो, ठीक है। तो गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर कैसे चली आप कैसे पता करें, या फिर ओरिजिनल इंजन है कैसे पता करें, यहाँ पर आप देखना है आपको कि दोस्तों जब भी हेड वगैरह, हेड या फिर इंजन खुलता है तो यहाँ पर आपको बॉन्ड के निशान दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड के कोई भी हमें निशान दिखाई नहीं दे रहा, हमें पूरा इंजन का सीमिंग चेक करना है यहाँ पर भी। और ये भी दोस्तों इसका गास्केट ओरिजिनल है। फिर यहाँ पर भी आप अंदर अंदर आपको चेक करना है कि कहीं रनिंग ओरिजिनल है या नहीं। तो दोस्तों इसमें कोई इंजन का काम हुआ नहीं है, मतलब इसका इंजन ओरिजिनल है। तीसरी बात, हम भाई इंजन ऑयल का डिपस्टिक खोलेंगे, तो आप डिपस्टिक देख सकते हो, ऑयल की लेवल भी करेक्ट है और कलर भी अच्छा है। समझो अगर इंजन ऑयल पूरा काला है और लेवल कम है तो समझो इंजन इसका कम है, गाड़ी ज़्यादा चल सकती है, ठीक है। क्योंकि इंजन ऑयल का लेवल अगर कम हो रहा है, गाड़ी इंजन ऑयल खा रही है, मतलब गाड़ी में पक्का इंजन का काम होना ही होना है। तो दोस्तों इंजन ऑयल का कलर अगर पूरा ब्लैक है और इंजन ऑयल का लेवल कम है, मतलब पक्का गाड़ी में इंजन का काम होना है, गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर चल। तीसरी चीज़ दोस्तों वो है गाड़ी का मीटर। तो दोस्तों जब ये ओडोमीटर बैक करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा जो मीटर है ये पूरा खोल के वो लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और फिर ओडोमीटर बैक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, नीडल की जो सुई है ना दोस्तों, वो कई बार हिल जाती है। तो जब भी अगर वो ऐसे कुछ ओडोमीटर मीटर खोल के कुछ फिर से लगाते हैं तो जो सुई है ओडोमीटर की वो ऐसे कांपने लग जाती है। तो जब भी आप ड्राइव करोगे तो सुई थोड़ी कांपने लग जाएगी, तो वो भी चीज़ आपको चेक करनी है। इस गाड़ी में मैंने चेक किया, इसकी सुई बिल्कुल भी नहीं कांप रही है। लेकिन आप टेस्ट ड्राइव लेते समय ओडोमीटर पे भी ध्यान दें, मीटर पे ध्यान दें, कहीं उसकी सुई सीधी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कांप रही है तो पक्का गाड़ी का ओडोमीटर। और सबसे मेन चीज है वो है गाड़ी का इंटीरियर। अभी दोस्तों एक गाड़ी का इंटीरियर, 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चली होगी तो उसका इंटीरियर बहुत ज्यादा घिसा हुआ होगा। तो पहली चीज आपको चेक करनी है पावर विंडो के स्विच, तो इसके स्विच देख सकते हो एकदम अच्छे कंडीशन में। दूसरी बात दोस्तों, पेडल। अभी पेडल में दोस्तों बहुत बार क्या होता है, क्लच पेडल और ब्रेक पेडल पूरा घिस जाता है अगर गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर चली। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी का क्लच पेडल भी अच्छा है, ब्रेक पेडल थोड़ा सा घिसा हुआ है सिटी में चलने के कारण। लेकिन दोस्तों अगर गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर के ऊपर चले तो इसके तीनों पेडल पूरी तरीके से घिस जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, इंडिकेटर स्टॉक्स, तो इंडिकेटर स्टॉक के जो मार्किंग वगैरह है यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर दिखेगा, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टेयरिंग, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिखेंगे। तो इसके हॉर्न पे वगैरह आप देख सकते हो, मार्क्स ज़रा भी नहीं है, काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टेयरिंग है।
और एक चीज़ दोस्तों, ये बटन, एसी के बटन जो है दोस्तों, कई बार जो है वो पूरा फेड हो जाता है यूज़ की वजह से। तो इस छोटी छोटी इंटीरियर की चीज़ें देख के आप पता कर सकते हो कि गाड़ी कम चली है या ज़्यादा चली है। तीन चार चीज़ों से आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी का ओडोमीटर बैक है या नहीं। दोस्तों ओडोमीटर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि गाड़ियाँ जो 3-3 लाख किलोमीटर चली है उनको ओडो बैक करके 1 लाख किलोमीटर पे करके वो गाड़ी बेच देते। तो दोस्तों सावधान रहना ज़रूरी है सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले। और ये चीज़ें आप दोस्तों देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का ओडोमीटर ओरिजिनल है या पीछे किया हुआ है। और आपको कोई भी डाउट, कमेंट, क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।